हाय वेलकम बैक टू माय चैनल जहानस डायरी, जहां हम रिएक्ट करते हैं म्यूज़िक को। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट कोक स्टूडियो का सॉन्ग एक है। तो एक्चुअली ये सॉन्ग जो है ये गाया है नुसरत साहब ने, नुसरत फतली खान, एंड लिरिक्स इसके जावेद अख्तर ने लिखे हैं। सो कोक स्टूडियो ने ये नए से बनाया था कुछ साल पहले एक्चुअली, एंड राह साहब ने गाया है एंड मोमिना मोहतसिन ने ये गाया है। तो आपको समझ आ गया होगा मैं किस सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, इट्स आफरीन आफरीन। एंड एक्चुअली नुसरत साहब ने जब ये गाया था उसमें कोई फीमेल सिंगर नहीं गा रही थी उनको, बट इस वाले में इनने लाया है। सो अब जो पार्ट मुझे यहाँ पर एक्साइट कर रहा है बहुत, वो ये है कि फीमेल इसमें गा रही है तो इनका क्या पार्ट इन लोगों ने रखा है इसमें एक्चुअली। सो वी आर गोइंग टू सी दैट राइट नाउ। तो लेट्स सी, वोकल एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते फीमेल ने क्या गाया है इसमें, कंपोजिशन पुरानी है या नया कुछ ऐड किया है, म्यूज़िक देख लेते हैं एंड उसके अलावा और भी चीज़ें देख लेते, कंपोजिशन देख लेते। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी दिस। एंड जो चैनल पे नए हैं वो LSS कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्चुअली। सो लेट्स सी दिस फर्स्ट। Coke Studio Season 9. It's from Season 9. Originally sung and composed by Usad Nusrat Ali Khan. Great guitar playing actually. And few licks. Pianos. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे। सो अगर पहले ही देखा जाए, म्यूजिक डायरेक्टर फाकिर महमूद है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस जो है प्रोड्यूसर से वो स्ट्रिंग्स है, कुछ पुराने सीजन्स स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करते थे, अब तो वो लोग नहीं है, वो दो बंदे कुछ बिलाल एंड कुछ उनका नाम है याद नहीं आ रहा है इस टाइम प्रॉपरली। सो स्टार्टिंग अगर देखें, गिटार से स्टार्ट किया रिदम्स एंड कुछ गिटार लिक्स से स्टार्ट किया है, एंड कितना स्मूथ सूदिंग टाइप है। एंड फिलहाल राहत अब वोकल्स आ गए, लिरिक्स तो सेम मुझे लग रहे हैं, लिरिक्स सेम ही होंगे, लेट्स सी। गिटार अभी भी बज रहा है रिदम, एंड यहाँ से लिक्स बज रही है। जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन। बैक वोकल्स भी आ गया, यहाँ पर चंदली चंदली मरमरी मरमरी। यहाँ तक अगर वोकल्स की बात करें, ये इसकी कंपोजिशन कितनी ब्यूटीफुली कंपोज किया है, ये गाना लाइक ऐसे स्टफ वाइज चढ़ता है, पहले यहाँ पर एक लाइन, फिर उसके ऊपर, फिर तीसरा और ऊपर, मतलब हाई पिच की तरफ ये जा रहा है ये सॉन्ग, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। इट्स रियली कंपोजिशन बहुत कैची है सॉन्ग की एक्चुअली। एंड लिरिक्स क्या लिखा है जावेद अख्तर ने, वो तो उनको तो बड़े लिरिसिस्टों में उनका नाम आता है, जावेद अख्तर जी इंडिया से है वो। सो यहाँ तक रियली ग्रेट, एंड उतना कुछ म्यूज़िक अभी आया नहीं, लाइक तबला या बाकी चीज़ें, सिर्फ गिटार की रिदम चल रही है एंड पीछे से कुछ टोन्स एंड गिटार की लिक्स, छोटे छोटे पार्ट्स, लिक्स बोलते वो छोटे गिटार ट्यून्स जो बजते हैं, शॉर्ट नोट्स, कुछ ही नोट्स होते हैं उसमें। सो यहाँ तक इट्स रियली ग्रेट एक्चुअली। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी बैक वोकल्स आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशीं
उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ बड़े हरकत यहाँ से शेकर्स बज रहे हैं ऐसे से चिक 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 वैसा ही हो रहा है। एकॉस्टिक सोलो था जाने कैसे बांधे तूने यहाँ से एडिशनल लिरिक्स है ये मन में रखे व्हाट अ वॉइस टोन ऊपर से नीचे पियानो एंड गिटार बज रहे एकॉस्टिक डिसेंडिंग टाइप यहाँ तक अगर देखा जाए बीट्स है ही नहीं ड्रम्स वम्स ऐसा तो कुछ नहीं है ओनली गिटार की जो रिदम्स है एंड पीछे से जो लिक्स में बोल रहा था वैसे ही वो पूरा सॉफ्ट रखा है काम ड्रम बीट्स तो है नहीं उतनी बस ड्रम्स में वो सिर्फ जो होते हैं वो लाइक क्रैश सिंबल्स वो यूज़ कर रहा है टोटल उसके अलावा बीट्स तो नहीं बज रहा है स्नेर नहीं बज रहा है ड्रम में एंड जो मोमिना जी ने गाया वो एडिशनल लिरिक्स था किसी का तो वो भी क्या ब्यूटीफुली कंपोज किया है कुछ लाइंस थी कुछ कैलाश कुछ ऐसा ही था नाम उन्हीं ने एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं इसके सो इनका अब वापस गाना वापस आ गया इसमें जो ऑलरेडी सॉन्ग है आफरी आफरी एक्चुअली ब्यूटीफुली क्या कंपोज किया है क्या म्यूज़िक डायरेक्शन दी है लाइक ड्रम्स यूज़ ही मत करो बीट्स यूज़ ही मत करो ऑनली गिटार प्लकिंग पे रिदम पे बजाओ एंड अगर देखा जाए इस सॉन्ग के गिटार के जो कॉर्ड्स है ना वो अराउंड जितने भी स्केल में ये शायद जी शार्प स्केल है जी शार्प स्केल पे गाना है जितने भी जी शार्प स्केल में कॉर्ड्स लगते हैं सारे यूज़ हो रहे हैं इसमें मैंने एक बार ये प्ले किया था एक्चुअली सॉन्ग एंड हर एक कॉर्ड लगभग यूज़ हो रहा है इस सॉन्ग में ये मैंने इससे पहले भी बोला कोक स्टूडियो की बात ऐसी है जहाँ आम तीन या चार कॉर्ड्स यूज़ करेंगे आम म्यूजिशंस पॉप में वहाँ ये लगभग 7-8 के ऊपर ही कॉर्ड्स होते हैं इनके सॉन्ग में रियली ग्रेट थिंग सो यहाँ तक तो टोटली मुझे बहुत अच्छा लगा है सूथिंग है बहुत सूथिंग ये मैं कह रहा था शेकर्स अभी ऊपर जा रहे हैं अब और ऊपर अभी और ऊपर ग्रेट मैन उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी लिरिक्स Oh.
now guitar rhythms. What a change. Now drums. Guitar solo, acoustic. सारा सॉफ्ट सॉन्ग चल रहा था, कुछ ड्रम्स नहीं, कुछ नहीं, टोटली वो लाइक फ्लोटिंग टाइप कामनेस, रिदम्स, गिटार रिदम्स, लिक्स, पियानो बज रहा था, हल्का हल्का बेस गिटार भी था स्टार्ट में, तो सारा इसी पे चल रहा था बस। एंड इनका जहाँ सरगम आ गया, ड्रम्स भी एंटर हो गए, लाइक सारा गाना वो ऊपर उठा दिया, लाइक स्ट्रॉन्ग टाइप बना दिया। मान लो आप फ्लोट कर रहे थे, अब थोड़ा भाव तेज हो गया, ऐसा कह सकते हैं। सो सरगम में इनका तो ये तो पता ही है, जहाँ भी ये गाए सरगम तो होगा ही होगा। एंड सरगम भी क्या कंपोज किया है, ग्रेट कंपोजिशन सरगम की भी क्या की है। एंड उसको फिर मिक्स करना ड्रम्स के साथ, लाइक अक्सर क्लासिकल में तो सरगम तबले वबले के साथ होता है, ड्रम्स के साथ करना, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करना, रियली ग्रेट। मोमिना मोहतसिन ने क्या गाया है, क्या टोनल क्वालिटी, उनकी वो सॉफ्टनेस कितनी ज़बरदस्त है। इनका पिच राहत साहब का वो तो सब जानते हैं, बट ओवरऑल क्या कंपोज किया है, रियली ग्रेट। चाहते तो ड्रम्स पहले से यूज़ कर सकते थे, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते थे, बट नहीं, क्या सुंदर हिसाब से कंपोज किया है। लाइक अक्सर ऐसा होता है, जो ऑलरेडी सॉन्ग बना होता है, फिर बहुत सारे ऐसे उसको नया बनाते हैं, फिर वो अच्छा ही नहीं लगता सुनना। इसको बोलते हैं रिक्रिएट करना नए से, बहुत सारे ऐसे करते हो, फिर वो सुनना ही नहीं अच्छा लगता, इतना उसको खराबी हो गई होती है उन नए सॉन्ग्स को, जो बहुत सारे पुराने को रिक्रिएट करते हैं। इनको देखो क्या रिक्रिएट किया है वापस, रियली ग्रेट काम इसको बोलते हैं, या म्यूजिशियन कंपोजिशन इसको बोलते। सो पुराना सॉन्ग नया भी हो जाए और ख़राब भी ना हो जाए, एक्चुअली इट्स रियली ग्रेट, टोटली बड़ा अच्छा लगा सुनना है एक्चुअली। खैर आज का वीडियो था, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मैं नेक्स्ट किसको करूँ रिएक्ट। एंड तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना।